व्यक्तिगत हित के लिए जो बात है उसकी बजाय जो सामाजिक हित की बात है उसको संघ प्रीफर करता है और संघ उसी तरह का काम करता है। इसी बीच प्रताप फाउंडेशन को आरक्षण का काम दिया गया सभी संस्थाओं ने मिलकर, तो आरक्षण की बहुत बड़ी रैली की गई और उसके बाद हम केंद्र सरकार से मिले। जब उन्होंने मांग रखी तो उन्होंने कहा कि ओबीसी में आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए हम क्रिया प्रारंभ करते हैं। उन्होंने आयोग गठित किया, 7 दिन के अंदर जवाब दिया कि हम आपको बता देंगे। आयोग गठित किया, आयोग ने कार्य प्रारंभ किया। आयोग कार्य कर रहा था, उसका काम पूरा नहीं हुआ था, इसी बीच वो सरकार गिर गई और नई सरकार ने उसको उसका इस्तीफा ले लिया। फिर नई सरकार में प्रयास किया गया और उन्होंने भी आयोग गठित किया। उस आयोग की भी रिपोर्ट आने से पहले ही वो दब गई रिपोर्ट। उसके बाद जो पिछली सरकार आई, वर्तमान सरकार जब पीछे थी, उस समय वहाँ पार्लियामेंट में गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मांग उठाई कि आर्थिक आधार पे वहाँ 2 आयोग बन चुके, एक राज्य सरकार ने आयोग बना दिया, सरकार ने हाँ भी भरी थी, वो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। वही बात यहाँ आई तो धर्मेंद्र सिंह जी ने उसी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया। प्रताप सिंह जी वगैरह जो उस समय कांग्रेस के मंत्री थे, उन लोगों ने भी उस बात को आगे बढ़ाया और वो आर्थिक आधार पे आरक्षण चालू हुआ। उसमें जो शर्तों में, पात्रता में जो थोड़ी सरलता बरतने की आवश्यकता थी, उसके लिए भी कार्य प्रारंभ किया गया और उस कार्य के लिए एक अलग से संगठन खड़ा किया, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, जो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक उच्च स्तर तक पहुंचाता है। और इस आर्थिक आधार आरक्षण में जो पात्रों की सरलता बनी है वो उसी का लाभ है कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई और मुख्यमंत्री तक उनके सलाहकार, उनके साथी, उनके नज़दीक के लोग हैं, उन्होंने कहा ये आवश्यक है और उन्होंने उसको स्वीकार किया गया। इसी प्रकार जो विभिन्न व्यवसायी लोग हैं, वकील हैं, वकीलों से बुला के बात की गई, आप सब मिलके एक बनो, आप समाज का क्या काम कर सकते हो तय करो। जो मास्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनसे अलग से बात की गई। जो डॉक्टर हैं उनसे अलग बात की गई। जो अधिकारी हैं उनको भी बुला के बात की गई। विभिन्न व्यवसायों के लोगों से बात करके और छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से एकता और सामाजिक भाव जागृत करने का प्रयास किया गया। विभिन्न समाज के जो लोग हैं उन लोगों में भी हमारे प्रति जो दुर्भावना है उसको दूर किया जाए, इसलिए SC के लोग जो अब तक ये समझते थे, जिनको इस तरह का प्रचार किया जाता है कि इन लोगों ने तुम्हारा शोषण किया, इन लोगों ने तुम्हारा हमेशा बुरा किया, उनके चिंतकों को बुलाकर, उनको चिंतकों को बुलाकर बैठ के, साथ बैठ के वहाँ रखा, भोजन साथ में किया और चर्चा के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनने का प्रयास किया और हमारी समस्याएं बताने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि आपके लोग केवल 8% हमारे प्रति अन्याय करते हैं और OBC के लोग बाकी सब हैं, लेकिन आपके लोगों में कमी क्या है, घोड़ी पे चढ़े दूल्हे को उतार के अपनी मूंछ ताल लेते हो, कोई पास नहीं आता है, जो दुर्भावना है उसको दूर किया जाए की बात है, इसलिए अपनी घोड़ी लाए हैं, उनका अपना जैसी पसंद है वैसे चलेंगे, हम उसमें क्यों ऐतराज करें, वो भी ईश्वर की संतान है, हम भी ईश्वर की संतान है, भगवान ने उनको वहाँ रख रखा है, हमको यहाँ रख रखा है, तो इसमें दुराव किस बात का है, हमको इस प्रकार की कृत्य नहीं करना चाहिए। उनको हमने आश्वासन दिया कि आपको जहाँ कहीं भी शंका हो तो हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। पर हमने कहा आप लोग भी क्या करते हो कि यहाँ से बिनोरी निकल रही है तो ठाकुर साहब के घर के सामने जाके DJ बजाना, हालांकि रास्ता दूसरी तरफ है लेकिन जाएंगे इधर से, कृपया वो भी बंद कीजिए, आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार क्यामखानी समाज को बुला के, उनके नेताओं को बुला के बातचीत की गई, समाज के विभिन्न समाज के लोगों से अलग अलग बुला बुला कर उनके साथ वार्ता कर रहे हैं और हमारे आपसी समस्याओं को दूर करके उनकी बात सुनकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि एक सामाजिक सौहार्द बने और हमारा राष्ट्र आपस में जूता फजीती करने वाला नहीं रहे,
क्योंकि बहकाने वाले भी बहुत आते हैं जो बहका रहे हैं। इसी प्रकार हमारे महापुरुषों पर लोग कब्जा कर रहे हैं। सुहेल देव हमारे थे, मिहिर भोज हमारे थे, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, ये इस तरह की बातें हो रही है। पुंजा राणा पुंजा भील था, रामदेव जी पर भी अब जो तो थोड़े से दिनों की बात है उस पर भी अधिकार हो रहा है कि वो तो हमारे थे। ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसके खिलाफ भी प्रयास किया जा रहा है और सबको सही जानकारी दी जाती है। पानरवा के परीक्षित सिंह जी ने पूरी वंशावली निकालकर राणा पुंजा से लेकर अब तक हमारी कैसे वंशावली चल रही है वो निकाल के अभी अपन ने दो एक महीने पहले वहाँ एक सभा की थी, बड़ा सम्मेलन किया था, उसमें सारा बताया है। और गुजरात के गवर्नमेंट पोर्टल पर पृथ्वीराज चौहान को गुजर बताया हुआ था, हमने रिपोर्ट किया, आपके गुजरात में गुजर जाति है ही नहीं, इसीलिए ओबीसी में गुजर का नाम नहीं है। और पृथ्वीराज चौहान गुर्जराधिपति थे, गुर्जराधिपति मतलब गुर्जर देश, वो जाति का नाम नहीं है, देश का नाम है। मारवाड़ा को मारवाड़ का कोई अधिपति हो तो हर मारवाड़ी का यह अधिकार बनता है क्या कि ये तो मेरे पूर्वज है, ये गलत परंपरा बंद करो। इसी प्रकार राणा पुंजा के बारे में सारी बात बताई गई। और इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे खिलाफ जो हो रही है उसमें केवल वामपंथी नहीं दक्षिणपंथी भी कर रहे हैं काम, वो भी वोटों के लालच में, रामपंथी भी वोटों के लालच में, राजनीतिक दल उकसावा दे रहे हैं उन लोगों को, इसलिए वो राजनीतिक दलों तक भी वो बात पहुंचनी जरूरी है जो क्षत्रिय संघ पहुंचा रहा है अपने इस माध्यम से, एक छात्र पुरुषार्थ के माध्यम से। हम आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं समाज का बहुत बड़ा आभार मानता है क्षत्रिय संघ। क्षत्रिय संघ को कभी समाज ने दुत्कारा नहीं, सैकड़ों शिविर हमारे लग रहे हैं अभी पिछले दो साल में, कोरोना की वजह से नहीं लगे, वरना 100 से ऊपर एक साल में शिविर लगते हैं और वो दाल पानी का सारा इंतजाम ये समाज करता है। ये समाज का योगदान है, सहयोग है। आज भी इस कार्यक्रम में भी किसी के पास मांगने नहीं गए, लेकिन जिस किसी के पास भी ये कहने गए कि ये कार्यक्रम हो रहा है, लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। और यही कारण है आज ये लाखों की संख्या में आज आप विराजमान हैं। क्षत्रिय संघ की जितनी विशेषता है उस विशेषता को आगे बढ़ाने में समाज जितना सहयोग कर रहा है वो सहयोग हमारा मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं। समाज में अनेक संस्थाएं हैं और समाज की आवश्यकताएं भी अलग हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, इसलिए किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो संस्था काम करती है उसको करने देना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं उनको जब कभी मदद की जरूरत हो तो मदद करें, और ऐसा लगे कि नहीं वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है तो आप चुप रहो, लेकिन किसी के व्यवधान मत डालो। इस प्रकार का परस्पर सहयोग बनेगा तो समाज को अनेक संस्थाएं अनेक प्रकार का काम करके आगे बढ़ने का काम करती रहेगी और समाज में एक सौहार्द का, एक सामाजिक भाव का बराबर प्रादुर्भाव होता रहेगा। भवानी निकेतन अभी स्वागत करके गए हैं आपका शिवपाल सिंह जी, जगमाल सिंह जी साहब ने हमेशा हमको चला के, जालम सिंह साहब ने कहा है कि कार्यक्रम बड़ा करोगे तो हमारे यहाँ करोगे, हमने कहा नहीं उससे पहले ही, इस बार भी चला के भगवान सिंह साहब के पास समाचार भेजा कि कार्यक्रम करो तो हमारा करो, हमारे यहाँ करो। अनेकों कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। सहयोगी भाव को जागृत करने के लिए जो जयंतियों में आप लोग आते हैं उसके लिए भी आप सबका आभार है। यहाँ राजेश कालानी फाउंडेशन की तरफ से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। टेंट हाउस ने 15 तारीख से अब तक लगकर इतनी बड़ी व्यवस्था की है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। क्षत्रिय संघ का साहित्य, संघ शक्ति और पत्रिका पत्प्रेरक नाम का एक अखबार छपता है और तनसिंह जी के लिखे हुए जितनी भी पुस्तकें हैं वो साहित्य छपती हैं, और उन सब को एक ही प्रेस गजेंद्र प्रिंटर से छपाया जाता है, और गजेंद्र प्रिंटर के मालिक श्री कमलेश शर्मा
उसको अपनी पत्रिका मानकर उसमें सहयोग देते हैं, और इसी कारण से आज तक कभी भी हमारी पत्रिकाएं लेट नहीं हुई, हमेशा समय पर छपती है। साहित्य छपता है समय पर छपता है। हालांकि कमलेश जी खुद प्रेस नहीं आते, लेकिन जिस दिन आते हैं और उनके भक्तों को ये पता चलता है कि आज कमलेश जी प्रेस गए हैं, तो सारे भक्त चर्चा यही करते हैं कि आज जरूर उन संघ वालों का कोई काम चल रहा होगा, इसलिए प्रेस में गए हैं। इतनी आत्मीयता से वो हमारा साहित्य छापते हैं, उनका आभार है। उन्हीं के यहाँ काम करने वाले सुनील जी, अभी जो ये स्मारिका छपी है इस अवसर पर, रात और दिन काम किया उन्होंने, 15 दिन में कब कब विज्ञापन आ रहे हैं उनको तैयार करना, उनको अप्रूव करवाना और छापना, रात को भी उन्होंने सारी रात बैठ के काम किया है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। पुलिस विभाग ने पूरा सहयोग किया, राज्य अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया, और सब जगह जैसी हमारी व्यवस्था हमने बनाई थी उसको सही मानते हुए वहाँ वैसी उन्होंने सारी व्यवस्था की, इसके लिए उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। जय संघ शक्ति। माइक की आवाज पीछे नहीं जा रही है लोकेश जी, पीछे माइक की आवाज नहीं जा रही है, और मुख्य दरवाजे वाले रास्ता खाली करें, जो ऊपर बैठे हैं वो ध्यान रख, नीचे उतरें, देखो गिर जाएंगे कोई। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ से कि वो अपने आवंटित समय में और दिए गए विषय पर अपना उद्बोधन देवें। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी झाला, यहाँ ब्रजराज सिंह जी खड़े हैं, उनसे तुरंत संपर्क करें। लक्ष्मण सिंह जी झाला मंच के बाईं तरफ। श्री क्षत्रिय युवक संघ